हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ओके बेटा, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइजेस फ्रॉम बुक सी, चैप्टर नंबर 7। तो लोग ओपन करिए बुक सी, चैप्टर नंबर 7। ओके बेटा, जिसको स्क्रीन पे बुक दिख रही होगी अपना हैंड शो करेंगे। सभी को दिख रही है बुक? ओके, सभी को बुक दिख रही है, सभी ने हैंड शो किया। चलिए बेटा, हैंड डाउन कर लो, फिर रीड करते हैं। ओके, बुक सी ओपन करना है। बुक सी पेज नंबर 64। हाँ बेटा, 64 ही ओपन करना है। ओपन कर रहे हैं पेज नंबर 64। ओके, पेज नंबर 64 ये कंप्लीट करना है ना। ओके, सभी को दिखी बुक? ओके बेटा, नहीं होगा करा, ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। रीडिंग जंक्शन, आंसर दीज क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी आंसर दिए हुए हैं उन सभी का आपको क्वेश्चन नोट करना है। फर्स्ट क्या है? Why do you think the shoemaker's business improved? Why do you think the shoemaker's business improved? Why do you think? आप क्यों सोचते हो जो shoemaker था, यहाँ चैप्टर में आपने जो रीड किया स्टोरी, उसमें जो shoemaker था उसका बिजनेस जो है इम्प्रूव क्यों हो गया, मतलब बढ़ कैसे गया उसका बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा था शूज बनाने का, बिजनेस शुरू किया था उसने, वह बढ़ अचानक बढ़ कैसे गया, इम्प्रूव कैसे हुआ उसमें, आपको ऐसा क्या लगता है, किस कारण जो है उसका? मैम बताएं। बोले बेटा, चलिए बोलिए। मैम बताएं। मैम क्योंकि दो थे, उन्होंने आकर उनका बिजनेस बढ़ा दिया। उल्फ नहीं था, इल्फ, इल्फ से। ओके, उल्फ नहीं थे, उल्फ में भेड़िया हो जाएगा, यहाँ इल्फ है। ओके, चलिए, इल्स से जो आके उनकी हेल्प करते हैं, इससे उनका बिजनेस इम्प्रूव किया, उनके बिजनेस में जो है उनका आगे पहुंचा, उसका बिजनेस, शूमेकर का बिजनेस बहुत ही आगे पहुंच गया। चलिए आप बताइए जमा, आपको ऐसा क्या लगता है कि उसका बिजनेस जो है इम्प्रूव क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। मैं आपको नहीं पूछा गरीब बताना है, नहीं, आपको बताना है कि उसका बिजनेस जो था इम्प्रूव कैसे हुआ, उसमें सुधार कैसे हुआ उसके बिजनेस में, जो शूज बनाने का बिजनेस था उसका। मैम छोटे 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 इल्फ मैम आए थे, मैम उसी ने किया है, उसी ने किया। ओके, चलिए आप बताइए, अभी अभी माइक ऑन करिए बेटा, अभी आप बताइए। बेटा आवाज क्लियर नहीं हो रही है, मेट्रो में बैठी है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए यहाँ पे हम नोट करेंगे। चलिए शुभांगी, आप बताओ बेटा क्या राइट करेंगे? मैम दो इल्फ आए थे, मैम तो उसने शूमेकर का बिजनेस और अच्छा किया, उसकी हेल्प किया, जिससे उसका सूज जो है अच्छे दाम में बिक गया, इससे उसके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे राइट कैसे करेंगे बताइए। आई थिंक द शूमेकर, नोट करिए,
शूमेकर्स बिजनेस। आनंद वीडियो ऑन करिए। सुमित आई थिंक द शूमेकर्स बिजनेस इम्प्रूव्ड। Improved. Mom. नोट करिए आगे। रमा साक्षी साक्षी वीडियो ऑन करिए। अमन सृष्टि श्रियांग वीडियो ऑन करिए। इम्प्रूव्ड बिकॉज because his shoes were sold उसके शूज जो थे बिक गए। यस बेटा हिज शूज वर सोल्ड फॉर गुड प्राइस। अच्छे दाम में बिक गए। ठीक है गुड प्राइस। आई थिंक द सुमिकर्स बिजनेस इंप्रूव बिकॉज हिज शूज वर सोल्ड फॉर गुड प्राइस। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। मैम राइट करे। मैम नोट किए। चलिए इसको मैनेज कर देते हैं। ठीक है ठीक है। मैम राइट। ओके बेटा। मैम अभी हम नहीं राइट किए। हाँ राइट कर लो बेटा जल्दी से। अरे हो गया है उसको बोलना नहीं है। सभी ने कभी कंप्लीट कर ले फिर आगे राइट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। If you were the shoemaker and saw someone making shoes for you, what would you do? If you were the shoemaker, यदि आप shoemaker होते and saw आप देखते कि आपके लिए कोई shoes बना रहा है तो आप उसके लिए क्या करते? What would you do? आप क्या करते अगर आप shoemaker होते आपने देखा कि कोई आपके लिए shoes बना रहा है तो आप उसके लिए क्या करते? बोलिए बेटा। मैम कपड़े बनाते। उसके लिए कपड़े बनाते। ओके तो आपको उसको सोच के फिर राइट करना आप उसके लिए क्या करते ऐसी क्या चीज आप उसके लिए करते तो इसको आप सोचना फिर राइट करना। अगर कोई भी आपके लिए सूट बनाता है अगर आप शूमेकर होते तो उसके लिए आप क्या करते? जैसे उन्होंने क्या बेटा जैसे यहाँ पे हम बताते हैं आपको नहीं दिख रही बेटा नेटवर्क नहीं होगा आपके यहाँ पे इसलिए आपको नहीं दिख रही है। इफ आई वर शूमेकर्स एंड आई सा समवन मेकिंग शूज फॉर मी देन आई वुड से थैंक यू एंड गिव मेनी थिंग्स हिम। उसको थैंक यू बोलते और उसको कई सारी चीजें देते। ओके तो आप इसको राइट करना। यहाँ पे आप शुरुआत कर दे रहे हैं कैसे आप स्टार्ट करोगे फिर आगे आप राइट करना आप क्या करते होते वहां पे। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे इफ आई वर सभी को ओके बेटा इफ आई वर द शूमेकर I was the shoemaker and saw someone making shoes for me.
फॉर मी आई वुड से I would say thank you. Thank you. बेटा सबको स्क्रीन पे बुक दिख रही है? Yes, ma'am. Yes. I would say thank you. Yes, ma'am. And give. And give अब जो भी आप उसको देना चाहो आप ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है? अब जो भी आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट कर देना. कल लोगे ना कम्प्लीट उसको सब लोग? And give many things him. Okay, जल्दी राइट करिए. अंशु बेटा वीडियो ऑन करिए. दिख नहीं रहा बेटा आपका वीडियो. And give many things. And give. Many things. चलो आगे हम लोग देखते हैं. Man complete. Man complete. Okay बेटा. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या करना है. इफ यू वर गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू टेक पेयर इन अ प्ले द एल्फ्स एंड द शूमेकर व्हिच पार्ट वुड यू लाइक टू प्ले. यदि आपको कोई अवसर मिले, ओके, यदि आपको कोई अवसर दिया जाए कि आपको रोल प्ले करना है, जो इसमें स्टोरी में जो भी कैरेक्टर्स है उनमें से किसका आप रोल प्ले करना चाहोगे, एल्फ्स का या शूमेकर का, Which part would you like to play? आप किसका पार्ट प्ले करना चाहोगे, किसका रोल प्ले करोगे, शूमेकर का या एल्फ का, और क्यों करोगे? आपको इसका रीजन लिखना है. अगर आप शूमेकर का करना चाहते हो, शूमेकर का रोल क्यों प्ले करोगे? अगर आपको एल्फ का करना है तो एल्फ का क्यों करोगे? तो इसको आपको राइट करना है. ओके, चलिए बताइए आप लोग कि किसका रोल प्ले करना चाहोगे. चलिए आप बताइए. आराध्या सिंह, आराध्या तुम्हारी कौन करिए? ऑप्शन मिले कि आपको रोल प्ले करना है शूमेकर का एल्स, तो आप किसका रोल प्ले करोगे, शूमेकर का या एल्स का? मैम शूमेकर का. क्यों बेटा, रीजन क्या है? क्योंकि आप भी शूमेकर कितना सुनना चाहते हो, सुंदर सुंदर सूस. क्यों आ रहा था बेटा? अब किसी एक का रोल प्ले करना, सुमेकर का या इल्स का, तो आप किसका करना चाहोगे, सुमेकर का इल्स का? चलिए सुमेकर आप बताए. सॉरी वेदांत, मैम हम बताए. नो बेटा, वेदांत बताएंगे पहले. मैम प्ले सुमेकर का. क्यों सुमेकर का रोल क्यों प्ले करना चाहोगे आप? मैम लिखना पड़ेगा आप सभी को क्यों करना चाहोगे उसका रोल प्ले. चलिए आप बताइए. अमन पासवान, आप किसका रोल प्ले करना चाहते हो? अमन ये बोलेंगे नहीं. चलिए मैम मैम दूसरे की मदद कर रहे थे क्योंकि आप सभी की मदद करना चाहते हो इल्फ की तरह. ओके गुड.
चलिए आप बताइए सुभानगी, आप किसका रोल प्ले करना चाहते हो? अमन का तो हो गया है, सुमेकर इसका, सुमेकर का। क्यों मैं? क्योंकि वो बहुत दयालु था, और सबके लिए सूज बनाता था, क्योंकि वह सबके लिए सूज बनाता था, दयालु था। ओके गुड। चलिए आप बताइए खुशी, आप किसका रोल प्ले करना चाहोगी? मैम इफ का। क्यों? क्योंकि मैम इफ नाम सुने को मैं क्या बेटा बनाकर मैम क्योंकि इफ मैम लेकर को सूज बनाते मैम बनाकर देते थे। ओके चलिए अभी आप बताइए, अभी अभी माइक ऑन करिए, आप बताइए आप किसका रोल प्ले करना चाहते हैं, उल्फ का या सुमेकर का? मैम सुमेकर का। सुमेकर का, व्हाई? क्यों बेटा सुमेकर का मैम? क्योंकि वो बहुत दयालु था सबके लिए, मैम वो बहुत दयालु था और सुंदर सुंदर सूट बनाता था। चलिए आप बताइए स्वाति, आप किसका रोल प्ले करना चाहोगे बेटा? बोलिए जल्दी। मैम इफ का। क्यों? मैम क्योंकि मैम सुमेकर का मदद किए थे, क्योंकि वह सुमेकर का मदद करता था। ओके चलिए यहाँ पे नोट करिए, आई लाइक टू प्ले, I like to play. Please make a part. Sumekar लिख करेंगे यहाँ पे, सुमेकर लिखेंगे नहीं तो आप इल्फ लिखना, ठीक है? आई लाइक टू प्ले सुमेकर पार्ट या आई लाइक टू प्ले इल्फ पार्ट। ओके जिसको जिसको करना हो अब यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अगर सुमेकर है तो सुमेकर नहीं तो इल्फ, बिकॉज बिकॉज आई लाइक टू मेक ब्यूटीफुल। I like to make beautiful. Beautiful shoes. Like to make up. To make up. A-E-R. I like to play Sumekar part because I like to make beautiful shoes like Sumekar, क्योंकि मैं भी Sumekar की तरह अच्छे अच्छे shoes बनाना चाहता हूँ। Sumekar जिसका होगा वही write करेंगे, okay? जिसका elf होगा इसको नहीं write करेंगे, तो उसको change करना पड़ेगा। यहाँ पे आप note कर देना, I like to play यहाँ पे आप चेंज करके राइट कर सकते हो, आई लाइक टू प्ले इन स्पार्ट। आर्ट बिकॉज दिखा अभी तो स्क्रीन पे, यस मैम, बिकॉज I also want to help someone. I also want to help someone.
लाइक इल्व्स इल्व्स। हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, आप खुद से भी आप चेंज करके राइट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा शोमेकर का, नीचे लिखा है इल्व्स का। आपको जिसका भी रोल प्ले करना है उसका नोट कर लेना। आप नहीं आ रहा है। क्या बेटा? मैम नहीं आ रहा है। अरे दोनों नहीं लिखना, एक ही लिखना आपको ना। आई लाइक टू प्ले शोमेकर पार्ट, जो भी शोमेकर पार्ट प्ले करना चाहेंगे यहाँ तक राइट करेंगे। आई लाइक टू प्ले शोमेकर पार्ट बिकॉज आई लाइक टू मेक ब्यूटीफुल शूज लाइक शोमेकर। अगर जो इल्स का करना तो आप राइट करना आई लाइक टू प्ले इल्स पार्ट बिकॉज आई वॉन्ट आई ऑल्सो वॉन्ट हेल्प। दोनों राइट कर सकते हैं। हाँ दोनों से एक आप राइट कर सकते हो। आई लाइक टू प्ले इल्स पार्ट बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं भी चाहता हूँ हेल्प करना भेजना भी है। नहीं भेजना नहीं है, वैसे राइट करके रख देना ठीक है, भेजना नहीं है। डेली करके भेजते हो फिर पूछते भेजना है कि नहीं भेजना है, इसलिए पूछने की क्या बात है, भेजना पड़ेगा होमवर्क है तो भेजते तो हो ही नहीं। एक दो लोग के होमवर्क भेजते, बाकी किसी करता है पता नहीं। नोट भी करते हो कि नहीं नोट करते हो? चलिए इसको इसको कंप्लीट कर लेंगे, इरेज कर दे बेटा। यस मैम। नहीं हुआ होगा बाद में वीडियो देखिए। यस मैम। जिसका नहीं हुआ होगा बाद में देखिए, कंप्लीट कर लेंगे। यस मैम। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, वोकैबुलरी पार्ट में हम लोगों ने रीड किया है जो भी, जिसके बारे में हम लोगों ने क्या रीड किया था, अ पेयर ऑफ सूज, अ पेयर ऑफ सीजर्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं उसे कंप्लीट करना। आंसर दीज क्वेश्चंस, रिमेम्बर टू यूज अ पेयर ऑफ इन ऑल योर आंसर। यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं सभी का आंसर आपको देना है, और याद रहे आपके आंसर में अ पेयर ऑफ आना चाहिए। ओके राइट है। व्हाट डू वी वेयर टू कीप अवर हैंड वार्म, अपने हैंड को गर्म रखने के लिए हम क्या पहनते हैं? चलिए बताइए आंसर क्या होगा। लिसन बेटा, स्टॉप एवरीवन, माइक ऑफ करिए। बेटा माइक ऑन करिए आराध्या वर्मा। मैम हम बताएं इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आराध्या बताएंगी। मैम पेयर ऑफ ग्लव्स, पेयर ऑफ ग्लव्स। चलिए रमा आप बताइए बेटा क्या राइट करेंगे। मैम ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ए पेयर नहीं आ पेयर। आराध्या सिंह यू टेल। मैम आ पेयर ऑफ ग्लव्स। ओके स्वाति। मैम आ पेयर ऑफ ग्लव्स। खुशी। मैम आ पेयर अस, आ पेयर अस ग्लव्स। अंशु पासवान। आ पेयर ऑफ ग्लव्स। सृष्टि। श्रियांग। श्रियांग बेटा बताइए, बाद में राइट करना। श्रियांग माइक ऑन करिए, बिजी है। श्रियांग माइक ऑन करिए। अनंत बेटा वीडियो ऑन करिए। अनंत सुमित वीडियो ऑन करिए। अमन पासवान, अमन गुप्ता वीडियो ऑन करिए। ओके चलिए यहाँ पे शुभांगी आप बताइए। शुभांगी मैं पेयर ऑफ ग्लव्स। वी वियर अ पेयर ऑफ ग्लव्स टू कीप अवर हैंड्स वार्म। बी वेयर यहाँ पे ऐसे राइट करना आपको इसका आंसर। बी वेयर नोट करिए, बी वेयर, बी वेयर यहाँ पे स्पेस दे देना। ओके बी वेयर अ पेयर ऑफ ग्लव्स। यहाँ पे वी डी लिखा है, बी लिखा है यहाँ पे, गलती इसलिए थोड़ा इरेज कर रहे हैं। बी वेयर
पेयर अ पेयर ऑफ ऑफ टू कीप आवर हैंड्स कीप आवर हैंड हैंड्स वार्म वार्म मींस होता गर्म ओके अपने हाथ को गर्म रखने के लिए हम लोग क्या पहनते हैं ग्लव्स पहनते हैं पेयर ऑफ ग्लव्स वी वेयर आप ग्लव्स टू कीप आवर हैंड्स वार्म ओके आया समझ में सभी को वी वेयर अ पेयर ऑफ ग्लव्स वी वेयर यस मैम तो यहाँ पे दिखेगा नहीं वी वेयर अ पेयर ऑफ वी वेयर अ पेयर ऑफ ग्लव्स टू कीप आवर हैंड्स वार्म नोट कर लेना नेक्स्ट है व्हाट डू पीपल यूज टू सी बेटर लोग अच्छे से देखने के लिए किस चीज का यूज करते हैं यस कौन बताएगा इसको इसका आंसर कौन बताएगा शो मी योर हैंड यस शुभांगी मैन पीपल यूज टू सी टू बेटर बेटर ग्लासेस आप पेयर ऑफ ग्लासेस मैम आप पेयर ऑफ ग्लासेस आप बताइए अंशु पासवान इसका आंसर क्या होगा अंशु मैम मैम पीपुल यूज टू सी बेटर ग्लासेस साक्षी आप बताइए बेटा साक्षी गुप्ता माइक ऑन करिए चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी बोलिए फिर आगे देखते हैं वीडियो ऑफ कर लिया चलिए मैम आप बताइए मैन पीपल यूज टू सी बेटर ग्लासेस पीपुल यूज टू सी बेटर आगे अ पेयर ऑफ ग्लासेस पीपुल यूज टू सी बेटर अ पेयर ऑफ ग्लासेस सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर No, ma'am. नहीं दिख रहा है किसको नहीं दिख रहा है yes, ma'am. दिख रहा है दिख रहा है मैम दिख रहा है yes, ma'am, दिख रहा है जल्दी नोट करिए अभी आगे भी है अभी आगे कंप्लीट करेंगे टाइम ओवर होने वाला है व्हाट डू वी वेयर इनसाइड सूज वह क्या जो कि हम सूज के अंदर पहनते हैं इनसाइड मीन्स अंदर तो सूज के अंदर हम क्या पहनते हैं बेटा गुड तो आंसर कैसे लिखेंगे मैम हम बताएं मैम आप पेयर ऑफ सॉक्स ऐसे नहीं नोट करेंगे मैम बोलिए बेटा मैम वी पेयर ऑन आवर फीट व्हेन वी गो आउट व्हाट डू वी वेयर ऑन आवर फीट व्हेन वी गो आउट
जब बाहर जाते हैं उस समय अपने पैरों में क्या पहनते हैं बाहर जाने के लिए? कर सकते हो स्लीपर भी राइट कर सकते हो, आप पैर ऑफ स्लीपर भी कर सकते हो, स्लीपर आप पैर ऑफ सूज जो भी आपको राइट करना है। वी वेयर, वी वेयर, वेयर ऑन अवर फूट, फूट यहाँ पे फीट लिखेंगे, ऑन अवर फीट पैरों में क्या पहनते हैं? फीट। मैम सूज भी लिख सकते हैं। हाँ सूज भी लिख सकते हो, स्लीपर भी लिख सकते हो। वी वेयर ऑन अवर फूट अ पेयर ऑफ सूज। हमने ऑब्लिक का मार्क बना दिया है यहाँ पे। क्या बेटा? मैम राइट कर, आप क्या नोट कर सकते हो स्लीपर भी? मैम राइट करिए। आप भी स्लीपर ही लिखोगे कि दूसरा नोट कर देते हैं? लिसन सॉक्स सूज चलिए आगे देखते हैं। हाय बुडान, तो यहाँ पे हमने आपको चाहे सूज लिखो या स्लीपर्स लिखो। ओके मैंने दोनों लिख लिए। नहीं दोनों नहीं लिखना। अच्छा दोनों कोई बात नहीं, लाइक कर लियो। तो इसको इरेज करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। मैम एक ही लिखना है? हाँ एक ही लिखना, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लिखना चाहो। व्हाट वी वेयर इनसाइड शूज, हम पैर के जूते के अंदर क्या पहनते हैं? आप नोट कर लेना। वी वेयर सॉक्स इनसाइड शूज। ओके वी वेयर इनसाइड शूज अ पेयर ऑफ सॉक्स। वी वेयर इनसाइड शूज अ पेयर ऑफ सॉक्स। नोट कर लेना, टाइम ओवर होने वाला, हम बता दे रहे हैं ऐसे। नोट कर लेंगे सभी लोग? आप पेयर ऑफ करके राइट करना। आप पेयर ऑफ मैम बी वेयर इनसाइड शूज एंड इसके बाद आप पेयर ऑफ सॉक्स। बी वेयर इनसाइड शूज आप पेयर ऑफ सॉक्स। देन आगे देखते हैं। व्हाट डू गर्ल्स वेयर इन देयर इयर्स, लड़कियां अपने कान में क्या पहनती हैं? क्या पहनती है बेटा? इयररिंग्स लाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए गर्ल्स वेयर इन देयर इयर्स अ पेयर ऑफ इयररिंग्स। देन What do we cut before? Girls wear in their ears a pair of earrings. एक बार सुन लो फिर राइट करो। What do we cut paper with? वह क्या जिसके साथ हम पेपर कट करते हैं? हम पेपर कट करते हैं। हम ऐसे नोट करेंगे। वी कट पेपर विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स। वी कट पेपर विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स। ये बात सुन लो, बाद में राइट कर देना। आगे देखते हैं। वी कट पेपर विथ कट के बाद लिसन। वी कट पेपर विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स। व्हाट डू वी वेयर ऑन आवर फीट इनसाइड द हाउस, घर के अंदर हम पैरों में क्या पहनते हैं? स्लीपर्स। वी वेयर ऑन आवर फीट इन साइड द हाउस अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। सभी को आगे समझ में? हाँ
मैम। ओके बेटा, तो आप सभी लोग इसको आप सेंड कर देंगे, ये पेज भी और इस पेज को भी सेंड कर देंगे दोनों। हाँ बेटा बोलो जल्दी। मैम डी वाले में क्या होगा? सी में आप मैम डी वाले में सूट स्लीपर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बाहर स्लीपर पहन के भी जाते हैं, सूट पहन के भी जाते हैं, बाहर जाना होता है। मैम वी वेयर ऑन आवर फूट व्हेन वी गो आउट, आप पेयर ऑफ सूट। बेटा बुक ए ओपन कर लो थोड़ी देर के लिए, मुझे जो होमवर्क दिया गया था कई लोगों का रॉन्ग था, उसको सही कर लो जल्दी, फिर आगे देखते हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये कंप्लीट हो गया है शायद, लेट हो गया है, टाइम ओवर हो चुका है। नहीं होगा मैं कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए एक तो दिया है था होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, आप लोगों ने कंप्लीट भी किया है कई लोगों ने, ये रहा जैसे यहाँ पे नोट किया गया आई हैव अ पेयर ऑफ ब्लू ग्लव्स, ऐसे आपको भी नोट करना था, यहाँ पे आपको नोट करना था जैसे यहाँ पे आई हैव अ पेयर ऑफ ब्लू ग्लव्स, आई हैव अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस, आई हैव अ पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पे आप सभी कुछ सा नहीं हुआ होगा, अपना पेज कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो था थर्ड में इसे भी आपको फिल करना था, तो इसमें कई लोगों ने फिल भी किया, सही फिल किया था, यहाँ पे आपको फिल करना था अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस, दूसरे फिल करना था अ पेयर ऑफ ग्लासेस, यहाँ पे सन ग्लासेस, यहाँ पे ग्लासेस, और सी में अ पेयर ऑफ शूज या स्लीपर्स, डी में अपेरा विनाकुलर्स, विनाकुलर्स की स्पेलिंग क्या होगी? बी आई एन सी ओ सी यू एल ओ आर एस, बी आई एन सी ओ एल सी यू एल ए आर एस, विनाकुलर्स। इसको कंप्लीट करना, बाकी फिल करते हैं, इसी टाइम ओवर होने वाला है। किसी को पूछना है कुछ? तो आज जो भी होगा बुक्सी में आप यूज कर देंगे, बुक्सी का वर्क जल्दी से अभी। ओके गुड बाय स्टूडेंट्स, मैम गुड बाय, गुड बाय।